जी सर। ओके भाई, आप लोग अपने माइक बंद कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि डिस्टॉर्शन हो। ठीक, अभी चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, 7th एडिशन के पार इरविन। और टाइटल जो है चैप्टर नंबर 4 का, डाटा ट्रांसफर एड्रेसिंग एंड अरिथमेटिक। ठीक है, 3 तरह की हम इसमें कंसेप्ट पढ़ेंगे, 3 तरह के, जिसमें डाटा ट्रांसफर एड्रेसिंग एंड अरिथमेटिक। ओके, तो जो चैप्टर ओवरव्यू है, पहला पोर्शन है डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस है, कि डाटा आप कॉपी किस तरह से करते हैं और उसमें क्या क्या कबाहते हैं या क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं, तो उसको हम डील करेंगे। फिर इसी तरह से हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, इसको हम देखेंगे। इसी तरह हमारे पास डेटा रिलेटेड ऑपरेटर्स एंड डायरेक्टिव्स को हम डील करेंगे। फिर उसके बाद हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग को देखेंगे। ठीक है, लास्ट में जो हमारे पास होगा जंप एंड लूप इंस्ट्रक्शंस होंगी। 64 बिट को हम प्रोग्रामिंग को हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो है हमारे पास डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस है। डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के लिए जो चीजें, यानी हम डाटा को कॉपी किस तरह से करते हैं, बेसिकली डाटा को कॉपी इस तरह से करते हैं कि आप तो उसके लिए मूव इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। ठीक है, जब मूव इंस्ट्रक्शन आप यूज करते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है कि ऑपरेंड्स को आपको लिखना पड़ता है। तो उसके लिए हम ऑपरेंड की टाइप्स देखेंगे। ठीक है, ऑपरेंड को कितनी टाइप्स में डिवाइड किया गया है, यानी जिस पर एक्शन परफॉर्म करना है उनको ऑपरेंड्स कहते हैं, और उन ऑपरेंड्स की टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह ऑपरेंड को लिखने के लिए नोटेशंस क्या होंगी, मींस कि अगर आप थ्योरी में अगर आप पढ़ते हैं या आप स्टेटमेंट कुछ लिखना चाहते हैं अपने एंड पर, तो उसको नोटेट कैसे करेंगे, उसको सिंबल्स कैसे देंगे ऑपरेंड्स को। इसी तरह फिर डायरेक्ट मेमोरी ऑपरेंड्स होते हैं जिसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, और उसके बाद मूव इंस्ट्रक्शन, मूव के बाद मूव विद जीरो एक्सटेंशन, मूव विद साइन एक्सटेंशन, और फिर एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन को हम देखेंगे। इसी तरह हमारे पास डायरेक्ट ऑफसेट इंस्ट्रक्शंस होंगे। अच्छा, सबसे पहले आप लोग ये करें कि अपने नाम के साथ रोल नंबर मेंशन करें, अपने नाम के साथ रोल नंबर मेंशन करें। पार्टिसिपेंट लिस्ट जो आ रही है आपके नाम के साथ रोल नंबर नहीं है, अक्सर हरीश ने जैसे लिखा है वैसे लिखें तमाम लोग। अक्सा कुछ पूछना है आपने, आपका माइक ऑन है। आप लोगों ने जो चैट में लिखना है उसमें सिर्फ आपने प्रेजेंट लिखना है, और अपने नाम के साथ रोल नंबर आपने अपने आइडेंटिफिकेशन में लिखना है। क्लियर, रोल नंबर लाजमी तौर पर मेंशन करें अपने नाम के साथ। ठीक है, रोल नंबर लिख दें और उसके बाद फिर आप प्रेजेंट लिख के अटेंडेंस मार्क करवाएं। ठीक है, शाहरुख आप भी अपने नाम के साथ रोल नंबर मेंशन करें। ओके जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास स्लाइड, उसमें ऑपरेंड टाइप्स के बारे में है। तो बेसिकली ऑपरेंड जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, यानी उसकी 3 टाइप्स हैं ऑपरेंड की। पहली टाइप जो है उसको हम कहते हैं इमीडिएट वैल्यू, पहली टाइप को हम कहते हैं इमीडिएट वैल्यू। दूसरी टाइप हमारे पास रजिस्टर्स होती है, और तीसरी टाइप हमारे पास मेमोरी वेरिएबल। क्लियर? यस सर। हमारे पास 3 टाइप्स हैं। ठीक है, तीनों टाइप्स के अंदर हमारे पास जो पहली टाइप है वो है आपके पास, एक मिनट बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, पहली टाइप जो है इमीडिएट वैल्यू है। इमीडिएट वैल्यू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है या तो 8 बिट की होती है या 16 बिट की या 32 बिट की। ठीक है, और रजिस्टर्स जो होते हैं वो रजिस्टर भी इसी तरह से 8 बिट, 16 बिट या 32 बिट के होंगे, और मेमोरी वेरिएबल भी इसी तरह से 8 बिट या 16 बिट या 32 बिट के हो सकते हैं। तो आपके पास 3 तरह के ऑपरेंड हैं, इमीडिएट वैल्यू, रजिस्टर और मेमोरी वेरिएबल। क्लियर, मेमोरी वेरिएबल आपके पास रैम में होती हैं, और जो रजिस्टर्स होते हैं वो सीपीयू के अंदर होते हैं।
इमीडिएट वैल्यू, कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, कोई क्यूरी है यहाँ पे किसी को? चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, नोटेशंस की तरफ आते हैं। अगर हम जनरली बात करें कि 8 बिट के रजिस्टर्स, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं REG8, यानी इस नोटेशन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 बिट का रजिस्टर से मुराद ये है कि या तो AH होगा या AL या BH या BL या CH या CL या DH या DL, इनमें से कोई एक रजिस्टर हो सकता है। रेग 8 का मतलब कोई एक 8 बिट का रजिस्टर। इसी तरह रेग 16 है, रेग 16 का मतलब कोई एक 16 बिट का रजिस्टर। रेग 32 कोई एक 32 बिट का रजिस्टर, क्लियर। और रेग का मतलब है कोई एक रजिस्टर, इनमें से कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक रजिस्टर। तो ये हमारे पास ऑपरेंड इस तरह से रजिस्टर्स को डील किया जाएगा। ठीक है, रेग 8 का मतलब 8 बिट का कोई एक रजिस्टर, रेग 16 का मतलब 16 बिट का कोई एक रजिस्टर, जो कि नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। इसी तरह आपके पास रेग 32 कोई भी 32 बिट का एक रजिस्टर, और रेग सिंपल लिखा होगा तो किसी भी पर्पस के लिए, कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, इसी तरह एस रेग है, एस रेग जो है सेगमेंट रजिस्टर को कहते हैं, 16 बिट का कोई भी एक रजिस्टर, जैसे CS, DS, SS, ये तमाम रजिस्टर जो सेगमेंट रजिस्टर होते हैं उनमें से कोई एक। पहला जो ऑपरेंड है वो इमीडिएट वैल्यू भी उसी तरह से IMM के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर IMM है तो वो 8 बिट का हो सकता है, 16 बिट का हो सकता है और 32 बिट का हो सकता है। और इसी तरह IMM8 लिखा हुआ है तो ये 8 बिट का इमीडिएट वैल्यू होगी। इसी तरह 16 बिट की इमीडिएट वैल्यू, इसी तरह 32 बिट की इमीडिएट वैल्यू, क्लियर। और जब आप मेमोरी वेरिएबल की बात, 16 बिट का हो सकता है या 32 बिट का या कोई भी मेमोरी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, जिसको हम मेम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिर्फ नोटेशंस है याद रखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है डायरेक्ट मेमोरी ऑपरेंड। डायरेक्ट मेमोरी ऑपरेंड से क्या मुराद है? डायरेक्ट मेमोरी ऑपरेंड से मुराद ये है, मेमोरी का लफ्ज जब आता है तो उसको हम रैम कंसीडर करते हैं। ठीक है, जब रैम में एक वेरिएबल को स्पेस एलोकेट होती है तो वो स्पेस का कोई ना कोई एड्रेस होता है, और उस स्पेस पे, यानी जो स्पेस एलोकेट हुई है उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पे वेरिएबल 1 डिक्लेयर किया गया है और उसकी टाइप बाइट है और उसमें वैल्यू क्या है 10। तो वो जो मेमोरी एलोकेट हुई है वेरिएबल 1 को, वो 1 बाइट की है और उसके अंदर वैल्यू 10 है, तो लाजम बात है उसका एड्रेस भी तो होगा। जो उसका एड्रेस है बेसिकली वेरिएबल 1 रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। ठीक है, वेरिएबल 1 जो है ये ऐसा डेटा लेबल है जो कि इस जगह के, यानी जहां पे उसको मेमोरी में जगह मिली है। लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जब एरे के साइज को कैलकुलेट किया था तो उसका जो एरे का नाम था, हमने ये बात की थी कि एरे का नाम जो होता है वो बेसिकली स्टैटिक पॉइंटर होता है, ऐसे ही है, जो कि उसके फर्स्ट एड्रेस को कंटेन कर रहा होता है। आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, आप लोगों की आवाज नहीं आती, कोई एक बंदा मुझे आंसर लाजमी किया करे ताकि मुझे अंडरस्टैंडिंग हो के आप समझ रहे। यस सर, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल उसके एड्रेस को कंटेन कर रहा है, तो जब आप इसको किसी इंस्ट्रक्शन के साथ लिखेंगे तो बेसिकली वो वैल्यू को पिक करेगा जो उस एड्रेस पर पड़ी होगी। अब उस वेरिएबल को लिखने के दो तरीके हैं, यहाँ तो वेरिएबल का नाम डायरेक्ट लिख दें जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी ऑपरेंड, या आप ब्रैकेट के साथ लिख दें, अल्टरनेट फॉर्मेट है, ब्रैकेट के साथ लिखें या डायरेक्ट लिख दें, ये दोनों तरह से वैलिड है। ठीक है, ऐसे ही समझ लें जैसे आप सी आउट स्टेरिक पी लिखते हैं पॉइंटर में, तो पॉइंटर के लिए जब स्टेरिक पी लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वैल्यू एट एड्रेस दैट इज कंटेन्ड बाय पी। ठीक है, तो जो पी के अंदर एड्रेस है उसके बिहाव पर जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो। तो इसी तरह से आप अगर ब्रैकेट लगा देंगे तब भी वही बात है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तब भी सेम कंसेप्ट है। क्लियर? यस सर। वेरिएबल को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं उससे वैल्यू पिक करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास मूव इंस्ट्रक्शन। अब जो मूव इंस्ट्रक्शन है, बेसिकली मूव को इस्तेमाल करने से पहले कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि दोनों ऑपरेंड का साइज, यानी डेस्टिनेशन ऑपरेंड और सोर्स ऑपरेंड का साइज सेम होना चाहिए, पहली शर्त, पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों ऑपरेंड मेमोरी वेरिएबल नहीं हो सकते, डेस्टिनेशन और सोर्स
मेमोरी वेरिएबल नहीं हो सकते, ठीक है। तीसरी कैटेगरी यानी तीसरी कंडीशन, डेस्टिनेशन ऑपरेंड इमीडिएट वैल्यू नहीं हो सकती, डेस्टिनेशन ऑपरेंड इमीडिएट वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। मैसेज में लिख रहे हैं, आपकी आवाज सही नहीं आ रही आजम, आप मैसेज में टाइप करते हैं, आपकी आवाज सही नहीं आई। चलेंगे आजम का, जब तक क्वेश्चन आता है हम वन कंडीशन रिपीट कीजिएगा सर। पहली कंडीशन ये है कि दोनों ऑपरेंट साइज सेम होने चाहिए, डेस्टिनेशन का साइज और सोर्स का साइज दोनों सेम होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों मेमोरी वेरिएबल नहीं हो सकते, दोनों मेमोरी वेरिएबल नहीं हो सकते। तीसरी कंडीशन ये है कि डेस्टिनेशन हो सकती है, क्योंकि कुछ उसमें स्टोर नहीं हो सकता तो वो कैसे डेस्टिनेशन बन सकती है, ठीक है। चौथी कंडीशन ये है कि ये वाले जो रजिस्टर आपके सामने लिखे सीएसटीआईपी और आईपी वगैरह, इसको आप डेस्टिनेशन के तौर पर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जांपल को देखते हैं, तो यहाँ पे काउंट एक वेरिएबल है जिसकी टाइप बाइट है और उसमें वैल्यू है 100, WL वर्ड टाइप का है उसमें वैल्यू है 2, एक 1 बाइट का एक 2 बाइट का है, क्लियर, दो वेरिएबल। अब यहाँ पे देखें BL कॉमा काउंट मूव, BL कॉमा काउंट, BL कितने बिट का है 8 बिट का और काउंट कितने बिट का है 8 बिट का, तो लिहाजा ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये वैलिड है, ठीक है। इसी तरह से यानी काउंट में जो वैल्यू पड़ी हुई है 100 वो BL में कॉपी हो जाएगी। इसी तरह से आप AX में WL प्लेस करते हैं तो दोनों 16-16 बिट के हैं, ये भी वैलिड है, तो आपकी जो WL है उसमें वैल्यू 2 पड़ी हुई है वो AX में कॉपी हो जाती है। इसी तरह आपके पास मूव है काउंट कॉमा AL, दोनों 8-8 बिट के हैं, तो लिहाजा ये भी आपकी स्टेटमेंट जो है वो वैलिड है। अब इस केस में देखें AL कॉमा WL, बता सकते हैं एरर क्या है इसमें? आप बता सकते हैं पहली स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में एरर क्या है AL कॉमा WL? हाँ जी असदुल्ला, भाई AL तो डेस्टिनेशन है, वैल्यू है या नहीं है उसके ऊपर वैल्यू आप प्लेस कर रहे हैं WL से। हाँ जी नबीला ने सही बताया जी, दोनों का साइज सेम नहीं है, ठीक है। AL 8 बिट का है और WL 16 बिट का है, ठीक है। AL 8 बिट का और WL 16 बिट का है, तो लिहाजा साइज मिसमैच हो रहे हैं। जब साइज मिसमैच होते हैं आपको बताया था दोनों का, दोनों ऑपरेंट का साइज सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरे में देखें, दूसरी स्टेटमेंट देखें AX कॉमा काउंट, ये किस चीज का एरर है? हाँ जी बताएं, सेकंड स्टेटमेंट के लिए बताएं, रीजन बताएं AX कॉमा काउंट मूव AX कॉमा काउंट। ठीक है जी, यहाँ पे भी साइज सेम नहीं है, AX 16 बिट का है, साइज सेम नहीं है, AX आपका 16 बिट जरूरी है, हालांकि AX 16 बिट में 8 बिट का डाटा कॉपी हो सकता है, लेकिन कंडीशन के मुताबिक दोनों ऑपरेंट का साइज सेम होना चाहिए, लिहाजा यहाँ पे भी एरर जनरेट होगा। और इस केस में भी आपके पास ये 32 बिट का और ये 8 बिट का है, तो यहाँ पे भी एरर जनरेट हो रहा है ड्यू टू डिफरेंट साइजेस। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो पहली स्टेटमेंट जो है DS कॉमा 45, तो डी एड्रेस प्लेस होता है उसमें वैल्यू प्लेस नहीं कर सकते आप, ठीक है, इमीडिएट वैल्यू आप प्लेस नहीं कर सकते, लिहाजा ये इनवैलिड है। ESI कॉमा WL, ESI आपके पास 32 बिट का है और WL आपके मिसमैच हो रहा है। और फिर चौथी कंडीशन हमने ये देखी थी कि आपके पास मूव के अंदर EIP डेस्टिनेशन के तौर पर यूज नहीं हो सकता, CS EIP या IP डेस्टिनेशन के तौर पर यूज नहीं हो सकता, तो लिहाजा ये भी उसको वायलेट कर रहे हैं उस कंडीशन को। तीसरी डेस्टिनेशन ऑपरेंट इमीडिएट वैल्यू नहीं हो सकती, यहाँ पे 25 में कोई वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती क्योंकि ना ये वेरिएबल है और ना ये रजिस्टर है, ये इमीडिएट वैल्यू है, तो डेस्टिनेशन में इमीडिएट वैल्यू प्लेस नहीं कर सकते आप, ये भी एरर है, ठीक है। अब BVAL 2 कॉमा BVAL, अब ये दोनों क्या है, दोनों मेमोरी वेरिएबल है, दोनों मेमोरी वेरिएबल है अंदर, दोनों मेमोरी ऑपरेंट नहीं हो सकते या मेमोरी वेरिएबल नहीं हो सकते, क्लियर। यहाँ पे पूछना है किसी ने? नो सर। नेक्स्ट वन ये है कि हमारे पास जी कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग?
अच्छा जी, अब होता ही है कि बाज़ूकात आपके पास डेस्टिनेशन ऑपरेंड तो बड़ा होता है लेकिन सोर्स ऑपरेंड छोटा होता है, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा था कि आपके पास प्रीवियस स्लाइड में अगर हम गौर करें तो यहाँ पे देखें AX आपके पास 16 बिट का है या EAX 32 लिखने से एरर जनरेट होगा। हालांकि ये डाटा इसमें प्लेस हो सकता है लेकिन पहली शर्त हमें ये बताती है कि दोनों का साइज सेम होना चाहिए, दोनों ऑपरेंड का साइज सेम होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा परफॉर्म करने के लिए कहा जाए कि लाजमी तौर पर आपने जो स्मॉलर सोर्स है उसका डाटा आपने बिगर डेस्टिनेशन में प्लेस करना है, साइज तो मिसमैच हो रहे हैं, एरर देना चाहिए 16, तो फिर आप ऐसी क्या ऐसा एक्स्ट्रा इस्तेमाल करेंगे कि आपका वो जो डाटा है 8 बिट का वो बती हम करते हैं मूव विद 0 एक्सटेंशन या मूव विद साइन एक्सटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मूव विद 0 एक्सटेंशन है, यानी यहाँ से आपके पास ये आपके पास सोर्स था 1000 और टेट्रा 1, ठीक है, 1000 और टेट्रा 1। इस डाटा को जब आप मूव करना चाहते हैं एएक्स में, बीएल में तो इजीली कॉपी हो जाएगा, जब बीएल से एएक्स में आप कॉपी करेंगे तो साइज मिसमैच होता है, साइज मिसमैच जब होता है तो एरर जनरेट होता है सिंपल मूव के साथ। तो अब हमने क्या लिखा है, मूव जीएक्स, जीएक्स का मतलब ये होता है, यानी ये जो आपके पास 8 बिट का डाटा था बेसिकली 8 बिट को कन्वर्ट किया जाएगा 16 बिट में। कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, उसके लीडिंग जीरो लगाने से, लीडिंग 80 लगाने से उसमें वैल्यू में चेंज तो नहीं आता, तो इसलिए उसको 16 बिट में वो सेम हो जाता है, जीरो एक्सटेंशन की वजह से। तो लिहाजा ये 16 बिट का बन जाता है और 16 बिट का बनने के बाद एएक्स में प्लेस हो सकता है। क्लियर, यहाँ पे है किसी का क्वेश्चन? नो सर। नेक्स्ट देखें, हमारे पास बाजूकात होता है साइन डाटा। साइन डाटा में क्या होता है कि आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपके डाटा में रिप्रेजेंट करती है कि वो नेगेटिव डाटा है या पॉजिटिव डाटा है, ठीक है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपके पास यहाँ पे क्या है, 1, तो इट मींस कि ये वाला जो सोर्स है ये आपका नेगेटिव डाटा है। जब आप इसको डेस्टिनेशन में कॉपी करते हैं तो डेस्टिनेशन में ये डेस्टिनेशन ऑपरेंड के 8 बिट में ये एज इट इज कॉपी होगा, लेकिन जो अगले 8 बिट होंगे 16 बिट पूरे के यहाँ पे जो भी होगी वो रिपीट हो जाएगी यहाँ पे, ताकि उसके साइन में कोई चेंज, यहाँ पे अगर 0 होता तो फिर क्या होता, अगर आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 होता तो फिर सारा लीडिंग जीरो बन जाता है और ये सेम ऐसे करता है जैसे जीरो एक्सटेंशन के साथ आपने किया था मूव, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे हमारे पास है एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन जस्ट लाइक स्वैपिंग का काम करती है। C++ में आपने स्वैपिंग की होगी, स्वैपिंग में मतलब एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू इंटरचेंज करनी होती है तो आपको थर्ड वेरिएबल की जरूरत पेश आती है, ऐसे ही है आपस में तीसरा वेरिएबल आप यूज करते हैं एक्सचेंजिंग के लिए। तो यहाँ पे एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन आप यूज कर सकते हैं, जो कि एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन जो है उसको हम लिखते हैं XCHG एक्सचेंज, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही रूल फॉलो होंगे जो मूव के लिए किए थे, कोई एक बंदा रिपीट कर सकते हैं चारों रूल को मूव के लिए। मुझे लेकिन जिस तरह से भी मिला है डिस्टॉर्शन के साथ मिला है, ठीक है, तो उसी तरह से मैं रिपीट कर देता हूँ, दोनों ऑपरेंड सेम साइज के होने चाहिए, दोनों ऑपरेंड मेमोरी वेरिएबल नहीं होने चाहिए, साइज सेम होना चाहिए, ये कंडीशन है ना उसकी, आपके ऑपरेंड का साइज सेम होना चाहिए दोनों का। और अब यहाँ पे एक और जो कंडीशन है आपके पास थर्ड वन, कि डेस्टिनेशन इमीडिएट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे सोर्स भी इमीडिएट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यानी इमीडिएट वैल्यू उसमें होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो आपके पास एक वेरिएबल वेर वन है, वर्ड टाइप का है, दूसरा वेरिएबल टू है वर्ड टाइप का, और उसमें पहले में 1000 है और दूसरे में 2000 है। हम एएक्स में जो वैल्यू है वो बीएक्स करते हैं, तो इसलिए हम इसको एक्सचेंज कर दें, यानी ये 16 बिट की वैल्यू एक्सचेंज हो रही है, एएक्स की वैल्यू बीएक्स में चलेगी और बीएक्स की वैल्यू एएक्स में चलेगी विदाउट एनी थर्ड रजिस्टर, ठीक है। इसी तरह 8 बिट की वैल्यू एक्सचेंज कर रहे हैं, AL से AH की चली गई वैल्यू और AH में AL की वैल्यू प्लेस कर दी गई। यहाँ पे देखें, ये वेरिएबल है और एक रजिस्टर है, दोनों 16-16 बिट के हैं, कैसे, वेरिएबल 1 जो है वर्ड टाइप का है 16 बिट और ये जाएगी और वेर 1 की वैल्यू BX में चली जाएगी एक्सचेंज करने से। और यहाँ पे देखें 32 बिट का है, EAX को EBX से आप एक्सचेंज कर दें, ठीक है। लास्ट में देखें एक्सचेंज है वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2, और यहाँ पे आपको मेंशन भी किया हुआ है कि ये एरर है क्योंकि दोनों वेरिएबल नहीं हो सकते। क्लियर? यस सर। अच्छा जी,
अभी जो है हमारे पास डायरेक्ट ऑफसेट ऑपरेंड है, मींस कि आपके पास सबसे पहले आपने ये देखा था डायरेक्ट मेमोरी ऑपरेंड देखा था, तो डायरेक्ट मेमोरी ऑपरेंड में आपने वेरिएबल का नाम एड्रेस के तौर पर यूज किया था। इसी तरह से यहाँ पे एरे के अंदर भी हम डायरेक्ट ऑफसेट को हम यूज कर सकते हैं, जो एरे का नाम है इस पहले एलिमेंट के जो एड्रेस है मेमोरी के अंदर जो एड्रेस है उसको कंटेन कर रहा है स्टैटिक पॉइंटर होने की वजह से। ऐसे ही है क्योंकि एरे का नाम जो है अपने एरे के पहले ब्लॉक के एड्रेस को कंटेन करता है, जिसको हम एरे के बिहाफ पर पॉइंटर के बिहाफ पर हम स्टैटिक पॉइंटर कहते हैं। एरे का नाम ही पहला एड्रेस होता है एरे का, ठीक है। अब अगर हम एरे प्लस वन करते हैं एरे के नाम के साथ प्लस ऐड होगा, ठीक है। तो लिहाजा आपके पास बाइट टाइप का है एरे, एरे बाइट टाइप की है, तो उसमें जो उसका इनिशियल एड्रेस है जो उसका स्टार्टिंग एड्रेस है अगर उसमें प्लस वन करते हैं तो इसका मतलब दूसरे बाइट पे वो चला गया एड्रेस, तो दूसरा बाइट जो है दूसरी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से 20 पिक हो जाएगा। 20 को आप एरे प्लस वन इस तरह से लिख दें या ब्रैकेट में लिख दें, तो कोई एरे बी प्लस 3 लिखता हूं तो आप में से बता सकते हैं कौन सी वैल्यू पिक होगी। सर फोर्थ वैल्यू पिक होगी, फोर्थ वैल्यू पिक होगी, 48 उसका उसकी वैल्यू पिक हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। अच्छा यहाँ पे देखिए इसी तरह से आप पूरी एरे को आप पिक कर सकते हैं। यहाँ पे ax है एरे प्लस देखिए ये आपके पास एरे w जो है, एरे w जो है बेसिकली क्या है वर्ड टाइप का, ठीक है, और वर्ड दो बाइट लेता है, इसका मतलब ये तमाम ये तीनों वैल्यू दो दो बाइट की, ऐसे ही है। यस सर। एरे w जो है वो पहले पहली वैल्यू के एड्रेस को कंटेन कर रहा है, प्लस टू करेंगे तो दो बाइट आगे एड्रेस मूव कर जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एरे जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसमें अगर फोर ऐड करते हैं तो ये दो बाइट ये दो बाइट ये, तो आपके पास ये थर्ड एलिमेंट का एड्रेस आ जाएगा और उसके बिहाफ पर वैल्यू 3000 एच पिक हो जाएगी और एएक्स में प्लेस हो जाएगी। इसी तरह अगर आप एरे ऑफ डी मतलब डबल वर्ड वाली वैल्यू पिक करते हैं चार बाइट वाली प्लस फोर करते हैं तो ये पहला एड्रेस इस जगह का एड्रेस जो होगा वो इस नाम में होगा, ठीक है। प्लस फोर करने से इसका मतलब ये फोर बाइट कंप्लीट हो गया, ये सेकंड एलिमेंट चला जाएगा तो ये टू इधर ई एक्स में आ जाएगा और ई एक्स में वैल्यू टू प्लेस होने के बाद बाकी लेडिंग जीरो 32 बिट पूरे हो जाते हैं, ठीक है। यस सर। इस तरह से आप पूरी एरे को आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें एक डेटा सेक्शन है, एक एरे है और उसमें वैल्यू है डबल वर्ड की 1 2 3। वो ये कहता है राइट ए प्रोग्राम दैट रीअरेंज द वैल्यू ऑफ 3 डबल वर्ड वैल्यूज इन द फॉलोइंग एरे एज। इस एरे के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं उसको इस तरतीब में लगाना है, रीअरेंज करना है। कौन सी तरतीब है, वैल्यू ओरिजिनल सीक्वेंस कौन सा है 1 2 3 और रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या है 3 1 2, लेकिन किससे करना है एक्सचेंज। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखें ई एक्स में एक वैल्यू प्लेस की एरे ऑफ डी, एरे डी, एरे डी का मतलब ये है कि पहली एलिमेंट, पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट क्या है 1, किसमें आ गया है अब एक्सचेंज कर रहे हैं ई एक्स को एरे डी प्लस 4, डी वर्ड है ना प्लस 4 दूसरा एलिमेंट आ गया, यानी यहाँ पे ये दूसरा एलिमेंट आ गया, ये 2 है ये 1 है, 2 चला गया ई एक्स में और 1 चला गया 2 की जगह। अब यहाँ पे आपने आउटपुट बताना है मेमोरी में क्या वैल्यू होगी, इन दो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने के बाद मेमोरी में क्या स्टेटमेंट होगी या मेमोरी में क्या वैल्यू होगी, नहीं 1 3 2 नहीं होगी, अभी हमने सिर्फ पहली दो वैल्यू को यानी इसमें पहली दो वैल्यू को स्वैप करने के लिए कोशिश की है कि जो चलो 2 1 3 आप कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं रजिस्टर मेमोरी में होते हैं या सीपीयू के अंदर, सीपीयू में होते हैं, तो मेमोरी में तो कोई चेंज है मेमोरी में, सुने जब आप इसकी वैल्यू एक्सचेंज कर रहे हैं इसमें 1 था, 1 आप 2 की जगह भेज रहे हैं और 2 को आप ईएएक्स में भेज रहे हैं, मेमोरी में तो नहीं भेज रहे, तो लिहाजा आपके पास जो आउटपुट होगा इन दो स्टेटमेंट के बाद मेमोरी में 113 है। त्वज्जा के साथ सुने आउटपुट क्या है 113, कैसे 2 की जगह आपने 1 प्लेस और 2 को ईएएक्स में प्लेस कर दिया। यहां देखे ना ईएएक्स में 1 था और यहां पे 2 था, तो 2 वैल्यू चलेगी ईएक्स में और इस एड्रेस पर वैल्यू चलेगी 1, तो पहले ही 1 यहां पे था और फिर यहां पे 1 आ गया, क्लियर। और यहां पे क्या है 3, तो ईएक्स में 3 चला गया, आवाज सही नहीं आ रही अब, यहां पे देखे मैंने आपको बताया कि आपका आंसर यहां पे 1 1 1 1 3 है, ठीक है 1 1 3 मेमोरी के अंदर, क्लियर।
अच्छा अब क्या होगा, ई एक्स में क्या है आपके पास टू था, लोकेशन पे इस लोकेशन पे थ्री है, तो थ्री चला गया ई एक्स में और ई एक्स में था टू, वो इस लोकेशन पर आ गया, यानी अब आपके पास क्या वैल्यू बन गई, वन स्पेस वन और प्लस यहाँ पे ये टू आ गया, वन वन टू आ गया। और फिर आप देखें आपने मूव किस में कर दिया, एरे ऑफ डी यानी पहली पहले एड्रेस पर ई एक्स में जो वैल्यू पड़ी होगी वो वहां पे प्लेस कर दी, ई एक्स में थ्री आ गई थी, ठीक है। इस केस में जब थ्री आ गई तो आपने वन को रिप्लेस कर दिया थ्री के साथ, तो अब तो ये आपकी रिक्वायर्ड जो है उसके मुताबिक स्वैपिंग परफॉर्म होती है, स्वैपिंग परफॉर्म हो गई है, तो उसके मुताबिक जो आपका आउटपुट है वो जो आपको रिक्वायर्ड आउटपुट था वो जनरेट हो चुका है। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे किसी ने कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन? नो सर। इसी तरह नेक्स्ट और है आपके पास एक एग्जांपल, इवैल्यूएट कर लीजिएगा, स्लाइड नंबर 15 है इसकी, ठीक है। इसको भी देख लीजिएगा, अभी कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें। अभी अपने डेटा का मंथली हो जाएगा क्या? देखो 113 कब होगा, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये जहां जी क्या कह रहे हैं, टू आपका ई एक्स में है नबीला, टू आपका ई एक्स में है, जब आप ई एक्स को दोबारा प्लेस करेंगे पहली लोकेशन पर तो वहां पे टू प्लेस हो जाएगा, क्योंकि यहां से टू आपने इधर प्लेस कर दिया था, ठीक है, आपने ई एक्स में प्लेस कर दिया था। ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैसेज में टाइप भी करके दिए किस तरह से उनकी स्वैपिंग परफॉर्म होते हुए इस तरह से अरेंजमेंट हुई है, ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन है? नो सर। चलें जी, नेक्स्ट आपने इसको भी देख लेना, ये एग्जांपल है, बाकी हम फिर अरिथमेटिक हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसको, ठीक है। अच्छा आप लोगों ने अभी तक अपने नाम के साथ रोल नंबर मेंशन कर दिया, आप चैट में लिख रहे हैं अपना नाम और रोल नंबर, जबकि आपका जो नाम डिस्प्ले होता है पार्टिसिपेंट लिस्ट में, आप अपना आईडी अपने नाम के साथ रोल नंबर मेंशन किया करें, ठीक है। लिखना अपने नाम के साथ रिप्रेजेंट करें, अपने नाम को चेंज करें नाम के साथ या आगे रोल नंबर मेंशन करें। ओके जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना बाद में फिर आप। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।